अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी गाइस, बस अभी सो के उठे हैं और आज ईद का सेकंड डे, तो चलें बस उठ के सबसे पहले नाश्ता करते हैं, फिर देखते हैं हम आज क्या प्लान बनता है और क्या करते हैं। जी गाइस, तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, तो ये देखें गाइस, यहाँ पे सीटी बॉल रही है, मटन जो है मैंने कुक कर रही हूँ प्रेशर में, और यहाँ पे मैं मसाला रेडी करने लगी हूँ। आज मैं बनाऊँगी मटन बिरयानी, तो हम अपना जल्दी से लंच रेडी करते हैं। तो चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पे प्याज ले ली है और मैंने सूखा धनिया 1 टेबल स्पून डाल दिया है, रिमूव करते हैं और ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। इसको ब्राउन करेंगे हम ऑयल को। बस गाइस, यहाँ पे मैंने प्रेशर बंद कर दिया और मैं यहाँ पे हम बनाने लगे हैं हस्बैंड के लिए इलायची वाली चाय। और यहाँ पे ये देखिए प्याज ब्राउन हो रहे हैं, इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको थोड़ा और ब्राउन करेंगे। और ये जब कुक होगा इसमें फिर बाद में दूध ऐड करेंगे और चीनी। ये देखिए गाइस, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। और उसके बाद जल्दी से इसमें अब ऐड करेंगे अपना मटन जो मैंने कुक कर लिया हुआ है। आज हम स्पाइसी भी बनाएंगे अपनी बिरयानी। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं ज़रा स्पाइसी बना रही हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट इसको ऐसे कुक करेंगे हम, ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने मसाले ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ 2 मिनट कुक करने के बाद। यहाँ पे ये देखिए हमारी चाय भी बन रही है, तो इसको हम डिश आउट करते हैं। जी गाइस, तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको कुक किया है। अब मैं इसके अंदर ना 2 मसाले ऐड करूँगी, जो कि एक सिंधी बिरयानी मसाला है और एक है मीट मसाला मटन का। तो चले ऐड करते हैं, ये है सिंधी टू एंड हाफ टेबल स्पून में इसमें ऐड करूँगी, और ये है मीट मसाला ठीक है। तो इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। और चिली फ्लेक्स से पहले हम अपनी टोमेटो प्यूरी जो है इसमें ऐड करेंगे, तो जल्दी से टोमेटो प्यूरी बना लेते हैं। तो चलें गाइस, इसमें ऐड करते हैं हम अपनी टोमेटो प्यूरी। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मसाला भी ऐड किया है तो सॉल्ट उनमें भी होता है। तो पहले हम अपना मसाला जो है ना चेक कर लेंगे। अब इसको मैं 10 मिनट कुक करूँगी, जब तक मसाला अच्छे से
टमाटोज जो है ना वो अच्छे से कुक नहीं हो जाते, इनका कच्चापन निकल नहीं जाता और जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। ये मटन बिरयानी की रेसिपी मैंने पहले भी अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर की हुई है, तो अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और देखें बस, इंशाल्लाह मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और अगर नहीं भी डाल सकी तो ये तो मैं आपको रेसिपी दे ही रही हूँ दोबारा से, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए आसानी होगी कि वो ये देख सकते हैं। ये देखिएगा इस मटन जो है ना कुक होके इसका ऑयल निकल आया है, और मैंने जो 1 टीस्पून और मसाला इसमें ऐड किया है सिंधी बिरयानी मसाला, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पाइसी बनानी है आज। स्पेशल मेरे हस्बैंड की फरमाइश है कि आज बिरयानी जो है ना स्पाइसी बनानी। तो ये देखो अब जल्दी से हम इसमें ऐड करेंगे अपने राइस, तो चले ऐड करते हैं। तो चलें गाइस, ये देखिए अब मैंने चावल बॉईल कर लिए हैं, एक तह लगा ली है चावलों की, अब इसमें हम बिरयानी की जो है ना तह लगाते हैं। पूरा ही ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाह। ओके रुक जाते हैं, अभी देखिए हमने ये लगा दी, ऊपर से हम फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे इसमें, ठीक है। कलर ऐड करेंगे बिरयानी कलर, और जो बाकी के राइस है ना वो भी हम इसमें, देखिएगा हमने बिरयानी की तह लगा के तो ये मैंने रख दिया है अब इसको दम पे। मैं जो है ना बॉईल करते हुए चावल ज़्यादा कुक कर लेती हूँ, तो ताकि मुझे ना दम ज़्यादा ना देना पड़े, तो मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट ही कुक करती हूँ। तो ये देखें ये राइस ऑलरेडी कुकड है और कितने माशाल्लाह लंबे लंबे हैं, तो बस इसको हम 2 से 3 मिनट दम पर रखेंगे और बस रेडी टू ईट है ये। तो ये गाइस देखिए हो गया रेडी टू ईट हमारी बिरयानी, तो हम अब इन्जॉय करेंगे अपनी बिरयानी और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे बाद में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू रॉक एंड रोल। आप सब कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। कल था ईद का सेकेंड डे, जो कि मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी, नहीं बना सकी, थोड़ा सा बनाया है जो कि आपने पहले देख लिया होगा, तो बस वही रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि खाना खाने के बाद मेरी ना तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, मुझे ना माइग्रेन की जो सर में पेन शुरू हो गई थी, तो बस फिर हम मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई, बच्चों को भी रेडी नहीं किया, तो कल का दिन हमारा ऐसे गया। अभी आज सुबह उठी तो थोड़ी बेहतर थी, हस्बैंड ने मेडिसिन ला के दी, तो वो काफ़ी देर बाद जाके मुझे थोड़ा सुकून मिला तो मैं सोई थी, तो इसलिए बस मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो बस अभी रेडी हुए हैं और रेडी होके निकले हैं, एक जगह पे आए हैं, तो यहाँ भी बस मैं खड़ी हूँ, नहीं गई हूँ ऊपर, ये एक मंजिल टाइप एक व्यू है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो बच्चे अपने पापा के साथ ऊपर गए हैं और मैं अभी बिल्कुल प्रॉपर बेटर नहीं फील कर रही थी, इसलिए मैं नहीं गई चल के, तो मैं यहाँ पे स्टे कर रही हूँ। तो आज बस ईद का थर्ड डे है, तो ईद आज लास्ट डे ख़त्म हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला
आप सेकंड डे का थोड़ा और थर्ड डे का एक ही व्लॉग में आप देखेंगे। तो चले मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। होप कि आपकी भी ईद अच्छी गुजर रही होगी। अल्लाह ताला आप सबकी ईद मीठी गुजरे और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ये एक व्यू है, जगह का नाम तो मुझे प्रॉपर नहीं पता है, तो ये उस तरफ ऊपर करके और ये नीचे देखें माउंटेन्स हैं। व्यू है ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो यहाँ से ऊपर जाने का और भी है रास्ता काफ़ी, लेकिन मैं नहीं गई। देखिए गाइस, बच्चों का प्लान था स्विमिंग के लिए, तो बस उसके बाद हम यहाँ स्विमिंग के लिए आ गए। बच्चों ने स्विमिंग ड्रेसेस चेंज कर लिए, बस अभी एंटरिंग हुए हैं हम। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा रश है। इतना रश है कि बस ये देखिए। पार्किंग फुल थी, पेड़ भी फुल थी। सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ओ, मैं तो बस अभी इधर कारपेट बिछा के बैठ जाऊंगी, बस बच्चे एंजॉय करेंगे। लहरें चेक करें आप, काफ़ी तेज है। साहिल अपना बॉल भी लेके आया हुआ है। तो जी गाइस, बस आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, बस यहाँ से फारिग होकर हम घर जाएंगे इंशाल्लाह। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, दुआ में याद रखें और मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।